दोस्तों सब्सक्राइब करें एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अभी टाइम हुआ है 7:40। सुबह सुबह का जो नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम यहाँ हैं दूध पत्री में। रात का स्टे हमने यहीं पर किया था, हमने कैंप लगाया था और उधर लोकल्स के, जिनको कि बोला जाता है कि कोठे बोला जाता है एक्चुअली, वहाँ पर बिल्कुल उनके गांव है, छोटा सा विलेज टाइप का है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैंपिंग कहाँ पर करी थी। तो ये है हमारा कैंपिंग स्पॉट जो कि हमारा घर था कल रात का। बहुत ही शानदार नाइट स्टे रहा हमारा। तारों के नीचे बहुत सारे तारे थे, मिल्की वे भी हमें नज़र आया, फोटोग्राफ में मैंने कैप्चर किया। रात को काफ़ी अंधेरा था तो मैं वीडियो नहीं ले पाया। और पृथुदा अपना लगेज बांधते हुए, और ये स्पॉट था हमने कैंप फायर किया था यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली वो स्पॉट है जहाँ पे हमने कैंप फायर किया था, और वो हेमंत सर की कावेरी खड़ी है, उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया था अपना। और अभी थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं दूधपत्री से। दूधपत्री में ही पड़ता है, आगे एक वाटरफॉल है तो वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद हम अपनी जो राइड है आज की वो प्रोसीड करेंगे। जो दूधपत्री के मीडोज़ हैं उनसे 1.5-2 किलोमीटर आगे आकर यहाँ पर एक रिवर बहती है। नाम मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन इसको लोग वाटरफॉल भी कहते हैं। बेसिकली ये एक लोकल्स का टूरिस्ट स्पॉट है। हम आगे बढ़ रहे हैं और आज 12वां दिन है। बहुत ही शानदार जर्नी चल रही है अभी तक की, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ और वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग कहीं है तो वो सिर्फ कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। दूधपत्री के गेट से बाहर निकल रहे हैं अब हम। अमेजिंग सीन्स हैं। और दोस्तों हम जा रहे हैं बडगाम, और बडगाम है यहाँ से 25 किलोमीटर, और बडगाम मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर श्रीनगर के लिए आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर से हम सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद जोजिला क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे द्रास। सो ये बडगाम का मेन चौक है। यहाँ से टैक्सी भी अवेलेबल है दूधपत्री के लिए, आप दूधपत्री के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं। फुल ऑन।
वैली का। चलो जबरान भाई निकलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि द्रास तक पहुँचने। चल आराम से निकलना। चल चल बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे जीरो मिले दोगे चुके। सो जबरान भाई यहाँ से अलग हो रहे हैं, कश्मीर तक हमारे साथ थे वो, बहुत ही उन्होंने हमारी हेल्प करी और बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने हमारे साथ ट्रिप किया ये पूरा कश्मीर सफ़रनामा। उनके लिए तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे ट्रैवलर है। अब हम बढ़ चुके हैं लद्दाख की तरफ, जबरान हमसे अलग हो गया, पहले सोनमर्ग आएगा। सोनमर्ग यहाँ से 75 किलोमीटर के आसपास है। सो यहाँ पर हम पेट्रोल भरा रहे हैं क्योंकि आगे पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा, सीधा द्रास में मिलेगा, तो यहाँ पर हम जो पेट्रोल टैंक है उसको फुल करा रहे हैं। स्टार्ट हो गई है यहाँ पर सोनामार्ग में, अच्छी खासी बारिश गिर रही है, मौसम में भी काफ़ी ठंडक हो गई और धूप बिल्कुल चली गई है। आगे लग रहा है कि मौसम साफ है, लेकिन मुझे डर है कहीं जो रौजिला पास है उस पर भी बारिश ना हो रही हो, उसकी वजह से रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और हमें बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर रुके हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, टी ब्रेक लिया है हमने। और ये है मेरा चैनल एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जोजीरा की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, यहाँ से मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर है जोजीरा पास। देखिए क्या शानदार रोड बना रखी है। हर एक मोड़ पर खूबसूरती बिखरी पड़ी है यहाँ पर, और फॉल कलर्स ने तो गजब ढा रखा है। देखिए ज़बरदस्त, छोटा सा गांव है नीचे, नाइस। यहाँ से तो निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, द्रास या कारगिल हमें आज ज़रूर पहुँचना है। बालटाल 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से और रोड्स अभी बहुत ही शानदार हैं और आगे जाकर रोड्स ख़राब हो जाएंगे। You bring
बारिश तेज हो गई थी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया है। जो लगेज है हमारा, हमने उसको पूरा कवर कर दिया। ये मेरी डोमिनार और ये प्रथुदा की हिमालयन, और वो फोटोग्राफी करते हुए प्रथुदा पूरे पैक्ड है रेन कवर में। और ये है ढाबा, बीच में ही पड़ा एक ज़ीरो पॉइंट है ये, और मैं खा रहा हूँ मैगी। नाइस। और देखिए शानदार रोड है, आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे कार आ रही है वैसे एक, तो लीजिए मैगी के साथ। और क्या शानदार व्यू है, देखिए। नाइस। ये है जोजिला पास, लवली। कारगिल, वेलकम टू टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। सो जस्ट अभी हमने अपने नाम रजिस्टर कराया, बाइक रजिस्टर कराई एक चेक पोस्ट पर जोजिला पास उतरते ही, और अब हम बढ़ रहे हैं द्रास की तरफ। हाथ बिल्कुल सुन हो गए हैं, मौसम ने ऐसे ऐसी कर रखी है। उफ। और मुझे लग रहा है कि आगे और ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो द्रास में आपका स्वागत है, वेलकम्स यू टू द्रास। नाइस नाइस। ओ जेके टूरिज्म वेलकम्स यू टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। 6:19 टाइम हुआ है और ठंड भी काफ़ी है यहाँ पर। थोड़ा वाइज़र खोला जाए। ओ मैन, ओह। तो यहाँ पर हम एक होटल लेंगे या फिर रेस्ट हाउस देखते हैं, और आज का जो स्टे है हमारा यहीं पर होगा। क्या हुआ दादा? आह